आज देश भर में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम का फैसला लिया गया है। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बंगाल विजय के लिए बीजेपी रथ यात्रा की शुरुआत करने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं और वो रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आज दिन भर एबीपी न्यूज पर इन दोनों खबरों से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। किसानों ने आज 3 घंटे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि यूपी और उत्तराखंड में डीएम को सिर्फ ज्ञापन सौंपे जाएंगे। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली में 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से राजधानी के अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना और दीप सिद्धू कहां हैं? दोनों कब गिरफ्तार होंगे? हालांकि पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल भी लाल किला हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीर को दिल्ली पुलिस ने जारी किया था, लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि ये दो आरोपी कहां हैं। दीप सिद्धू और लखा सिधाना गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के आरोपी हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कल लखा सिधाना ने वीडियो जारी कर आज के चक्का जाम के समर्थन का ऐलान किया है। वहीं दीप सिद्धू फरारी के दौरान अब तक 3 बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख चुका है। सवाल वही है कि दोनों कहां हैं और दोनों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। ये सवाल सबके मन में है कि आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी। लखा सिधाना वीडियो जारी करके उसने भी चक्का जाम का समर्थन किया। इसके पहले दीप सिद्धू लगातार 3 बार वीडियो जारी कर चुका है। यही वो चेहरा है जिसे दिल्ली पुलिस लाल किले पर हुई हिंसा के अहम किरदारों में से एक मानती है। लाल किले की प्राचीर पर जब धर्म विशेष का झंडा फहराया जा रहा था, तब दीप सिद्धू न सिर्फ वहां मौजूद था, बल्कि आरोप है कि वो भीड़ को भड़का भी रहा था। लेकिन 26 जनवरी के बाद से ही सिद्धू लापता है। क्राइम ब्रांच के साथ वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है और एक मंझे हुए अपराधी की तरह पुलिस को चकमा दे रहा है। 26 जनवरी के बाद से दीप सिद्धू 3 बार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर चुका है। वो जब भी सामने आता है अपनी बेगुनाही के दावे करता है, आंदोलन कर रहे किसानों से खुद के लिए हमदर्दी की अपील करता है। आमतौर पर कोई भी अपराधी सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है तो पुलिस के लिए उस तक पहुंचना आसान होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस सिद्धू तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दीप सिद्धू के जो भी वीडियो फेसबुक पर अपलोड होते हैं उसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। दीप सिद्धू वीडियो बनाता जरूर है, लेकिन अपलोड वो नहीं करता, बल्कि उसकी एक महिला मित्र करती है, वो भी भारत में बैठकर नहीं बल्कि विदेश में बैठकर। इसके पीछे दीप सिद्धू का मकसद जांच एजेंसियों को भटकाने का है। यानी इसी वजह से दीप सिद्धू अब तक बचने में कामयाब रहा है और एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। लेकिन ये खेल लंबा न चले, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसके सिर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है। दीप सिद्धू एक प्रमुख है और उसके और 3 साथी और हैं जो उस दिन उसके साथ थे। उन चारों की पहचान की गई है और इन चारों के खिलाफ हम लोगों ने 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है। इनकी अरेस्ट के लिए टीमें ऑलरेडी प्रयास कर रही हैं और जल्दी उम्मीद है कि हम लोग इसमें कुछ कामयाबी मिलेगी। पुलिस के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो जल्द से जल्द दीप सिद्धू की गिरफ्तारी करे, तभी ये साफ हो पाएगा कि हिंसा की अगुवाई में वो अकेले जिम्मेदार है या फिर उसको किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दोनों आरोपी है कहां, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से वरुण जैन, चंडीगढ़ से हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता पंजाब के डॉक्टर गुरप्रीत संधू भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वरुण जैन आपके पास आ रहा हूँ। बड़ा सीधा सा सवाल है, आंदोलन आज जो कुछ चक्का जाम होना है उसको लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई, लेकिन लखा और उसके मामले में क्या, दीप सिद्धू के मामले में
क्या स्थिति है, दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, वो जानेंगे वरुण जैन से। लेकिन पहले 20 सेकंड का वीडियो एक बार देख लीजिए। लखा सिदाना ने यह वीडियो जारी किया है। लाल किले हिंसा में उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो डाला है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला हिंसा में आरोपी लखा सिदाना, कल दिल्ली पुलिस अब तक इस पर नहीं पहुंच सकी है, लेकिन इसने एक वीडियो जारी किया। इस बीच लखा सिदाना ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो 6 फरवरी यानी आज चक्का जाम की अपील करता दिख रहा है। ये वीडियो कल शाम करीब 6 बजे लखा सिदाना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया। लखा सिदाना के साथ दीप सिद्धू का नाम भी दिल्ली पुलिस ने अपने FIR में डाला हुआ है। वरुण जैन का एक बार रुक कर लेते हैं। वरुण, ताजा अपडेट क्या है, अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ इन दोनों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, थोड़ा जल्दी से बताइए तमाम मेहमानों के पास भी जाना। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ही इसमें सवाल खड़े होते हैं, लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे दीप सिद्धू हो चाहे लखा सदाना हो। हाल ही में लखा सदाना ने शुक्रवार शाम को भी एक अपने फेसबुक प्रोफाइल पर वीडियो अपलोड की है। पुलिस की कई टीमें पंजाब और हरियाणा में एक हफ्ते से ज्यादा कैंप डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक न ही इनकी लोकेशन पता लगा पा रही है, न ही इन्हें गिरफ्तार कर पा रही है, और ये लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी विफलता है, पुलिस से जब पूछा जाए उनका रटा रटाया जवाब है कि जांच जारी है। दीप सिद्धू के ऊपर तो 1 लाख रुपए का इनाम की भी घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, उनकी लोकेशन का पुलिस पता लगा सकती है, लेकिन बावजूद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं 2 कदम आगे पुलिस से चल रहे हैं और पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, आप रहे वरुण हमारे साथ, जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जगविंदर, मुझे बड़ा सीधा सा सवाल है, वीडियो ये लोग जारी कर रहे हैं, चक्का जाम का समर्थन भी कर रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है इन तक, वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 165 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो सूत्रधार हैं हिंसा के वो गायब हैं। ये दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशानी नहीं है। ये इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि साधारण केस की तरह जांच की जा रही है मीडिया में, और जिस तरह से लाल किले पर हिंसा हुई पूरा देश हैरान था, दंग था, और 24 घंटे तक पुलिस ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है हिंसा का। लेकिन जो जांच हो रही है ना, वो जांच वैसे ही हो रही है जैसे चोरी के या फिर जेब तराशी के छोटे छोटे मामलों को लेकर की जाती है। क्यों सोशल मीडिया अकाउंट अब तक बंद नहीं हुए, और ये क्यों बार बार दोनों लोग जो हैं ये अपने अपने बयान सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, ये अपनी सफाई दे रहे हैं, और जो इनकी छवि पंजाब में और आंदोलन में 27 तारीख को थी उसको डैमेज कंट्रोल को ये काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं करने में। सो दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी के कारण ये दोनों दीप सिद्धू और लखा सिदाना दोबारा आंदोलन के पैरवीकार बन के दोबारा आंदोलन में घुसना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की इच्छा पंजाब की राजनीति में आने की है, और इनको लगता है कि इस आंदोलन से बढ़िया रास्ता उनको और कोई नहीं मिल सकता। इसलिए दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी या दिल्ली पुलिस की जांच में हो रही देरी इनको दोबारा रिकवरी मोड में ले आई है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास और डॉक्टर संधू का भी रुख करूंगा, लेकिन पहले इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सर, बड़ा सीधा सा सवाल है, जिस तरह से जगविंदर पटियाल हमारे कार्यकारी संपादक जो कारण बता रहे हैं, सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 165 लोग पकड़े जाते हैं, ये दो लोग जो सूत्रधार के तौर पर थे उन तक नहीं पहुंच पा रहे, और ये वीडियो भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने इम्प्रिंट्स भी छोड़ रहे हैं, फिर भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है इन तक। तभी तो पुरस्कार की घोषणा हुई, एक पुरस्कार घोषी पलायित अपराधी भगोड़ा अपराधी सोशल मीडिया पे क्रिया ठीक है, तो ये मैं इसको पुलिस की चुनौती मानता हूँ, और पुलिस चुनौती को लेकर के कार्रवाई करे, क्योंकि जो संदेश जा रहा है बड़ा नकारात्मक, बड़ा गलत संदेश जा रहा है कि पुरस्कार घोषित अपराधी इस तरीके से पुलिस के आकहा इंडिया मोस्ट वॉन्टेड उस दिन तो ICU में चले गए थे, आज मैराथन दौड़ रहे हैं, तो इसके बारे में दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बड़ी चुनौती, इससे पुलिस की किरकिरी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जो नकारात्मक संदेश लोग लगा रहे हैं उसमें कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई दम हो, ये कौन सा अनुसंधान चल रहा है? ये कहा जाता है कि शातिर अपराधियों को थोड़ा मौका दिया जाता है कि जिससे कि और क्रियाशील हो जाए, जिससे कि उनके संगी साथियों गिरोह को पता लग जाए, लेकिन उसकी सीमा होती है 24 घंटे, ये नहीं कि अनिश्चितकालीन उतना छूट दे दें कि हमारे ही सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे। ठीक कह रहे हैं आप, जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, बड़ा अहम सवाल हो जाता है, जिस तरह से DGP साहब भी कह रहे हैं कोशिश इनको पकड़ने की होनी चाहिए थी, इनाम की घोषणा हो गई लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, वजह क्या है? बार बार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन पकड़ में ये आरोपी नहीं आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, इसके जरिए क्या कुछ अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश हो रही है जो दिखाई नहीं दे रही?
देखिए जो किसान आरोप लगा रहे हैं फिर वो आरोप और मजबूत होने लगेंगे। किसानों ने ये आरोप लगाया था, किसान नेताओं ने, कि भाई इनको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि जो कुछ हुआ सरकार यानी केंद्र सरकार, उन्होंने कहा जो चाहती थी उनकी मर्जी के मुताबिक इन्होंने आंदोलन की छवि को खराब करने के लिए, आंदोलन को धक्का लगाने के लिए इन्होंने वही सब कुछ किया जो सरकार को सूट करता था। तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये चैलेंज बन जाता है कि दिल्ली पुलिस पर इस बात का दबाव बनाए कि भाई जो मोस्ट वॉन्टेड की श्रेणी में आप रख रहे हो, जिनको इनामी गुंडा आप बना रहे हो, जिनको आप हिंसा के लिए इनामी आरोपी बना रहे हो, क्या वो इतने आराम से आपसे बिना डरे? आप लखा सदाना का पूरा वीडियो देखिए, लगता ही नहीं है कि लखा सदाना को कोई पुलिस का डर है। इससे पहले दीप सिद्धू भी कह चुका है कि मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं जेल देख लूंगा, लेकिन जो लोग मुझे एक्सपोज कर रहे हैं मैं उनको एक्सपोज करूंगा। वो किसान नेताओं के खिलाफ भी बयान दे रहा था, लेकिन यहां लखा सिदाना फिर आंदोलन को मजबूत कर रहा है और पंजाब के लोगों के दिलों में एक बार फिर वही जगह बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने 25 जनवरी से पहले बनाई थी। मैं आपको एक और बात बता दूं, 25 जनवरी को रात को इन दोनों लोगों ने युवाओं को भड़काने के लिए संयुक्त मोर्चा की जो सिंघू बॉर्डर पर स्टेज लगी हुई है उसे ना सिर्फ कैप्चर किया बल्कि वहां से इन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया और ये कहा कि हम अपने जिस रूट पे पुलिस कह रही है उस रूट पे ना जाकर अपनी मर्जी के रूट पर रिंग रोड पर जाएंगे। और किसान मजदूर संघर्ष समिति के साथ इन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हमारा भी एजेंडा यही है। भाई सिंघू बॉर्डर में जो ये सब करने के लिए केस दर्ज किया गया है, लोगों को भड़काने का केस दर्ज किया गया है, उसमें इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट करके इनको एक स्पेशल टीम बनाकर इन पर धड़ाधड़ छापेमारी होनी चाहिए थी। इन पर कोई दबाव ही नहीं है, ये निश्चिंत होकर बयान जारी कर रहे हैं, पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं। इनामी मुलजम इस तरह से बात करे आधा आधा घंटा सोशल मीडिया पर, तो पुलिस को सोचना चाहिए कि भाई हमें क्या करना होगा, नहीं तो ऐसे तो हर एक के मन से पुलिस का खौफ ही निकल जाएगा, कोई भी हिंसा फैलाने चल पड़ेगा। बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं जगविंदर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत धन्यवाद। जगविंदर पटियाल हमारे कार्यकारी संपादक पूरी जानकारी दे रहे थे और वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन दोनों का रुख करेंगे। लेकिन पहले देखिए अब एक बेहद अहम वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि आंदोलन के पीछे कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं जो सक्रिय हैं और अब इसका सबसे बड़ा वीडियो सबूत देश से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर से आया है। जरा देखिए जो पता नहीं खालिस्तान ये शब्द किसान आंदोलन को लेकर खूब सुर्खियों में रहा। आरोप लगे कि आंदोलन की अगुवाई भले ही किसान कर रहे हैं लेकिन विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक भी इस आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं और अब इस बात का वीडियो सबूत भी दुनिया के सामने आ गया है। यही है वो मोद हालीवाल जिसकी संस्था पोएटिक फाउंडेशन के बनाए टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने साझा किया था जिसमें हिंसा का पूरा प्लान है और उसी प्लान के साजिशकर्ता का ये वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो 26 जनवरी को कनाडा के वैंकूवर का है जहां इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर मो धालीवाल अपने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस प्रदर्शन में उसने सीधे सीधे किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ा है। उसने कहा है कि अगर कृषि कानून कल वापस होते हैं तो ये कोई जीत नहीं है, कृषि कानूनों की वापसी के साथ इस लड़ाई की शुरुआत होगी, ये यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये लड़ाई कृषि कानूनों की वापसी के साथ खत्म हो जाएगी तो वो इस आंदोलन से इसकी ताकत धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पंजाब से अलग हैं, आप खालिस्तान आंदोलन से अलग हैं, लेकिन आप नहीं हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में धालीवाल यही नहीं रुका, वहां मौजूद भीड़ को और भड़काता रहा और ये भी माना कि उसका चाचा एक आतंकी था। खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को लेकर इतने जोश में इसलिए हैं क्योंकि 40-50 सालों के बाद हम उस सच्चाई को देख रहे हैं जिसकी उन्होंने 70 के दशक में भविष्यवाणी की थी। वो एक स्वतंत्र धरती चाहते हैं ताकि हमें फिर ऐसे आंदोलन ना करने पड़े। सारे युवाओं से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे के प्रति अपनी आंखें बंद मत करो, अपने दिल बंद मत करो, अपने दिमाग मत बंद करो। अगर आप किसी को ऐसा साइन लिए देखें जिसमें खालिस्तान लिखा हो तो सवाल पूछिए, समझिए कि क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ क्यों हैं? कोई भी आतंकवादी नहीं बनना चाहता है। मैंने 90 के दशक में अपने चाचा को खोया है क्योंकि वो खाड़कू बन गए थे।
एबीपी न्यूज ने जब मो धालीवाल के पोएटिक फाउंडेशन की वेबसाइट को खंगाला तो पाया कि धालीवाल ने खुलकर ये बात मानी है कि उसकी संस्था किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वेबसाइट में साफ साफ लिखा है कि अभी हम उस किसान आंदोलन के साथ सक्रियता से जुड़े हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को किसानों के प्रति भारत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जागृत किया है। अपने ऐसे ही भारत विरोधी एजेंडे को फैलाने के लिए धालीवाल ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसे चर्चित नामों का सहारा ले रहा है और अब ये विदेशी साजिश बीजेपी कांग्रेस में अदावत की नई वजह बन गई है। ग्रेटा जैसी एक बच्ची लड़की हमें क्या डराएंगे, हम क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं? कोई अगर कोई दुनिया में कोई कोने में कोई कुछ बात कहे तो हमें इतना घबराहट क्यों होते हैं? सरकार इतना अपने को इतना कमजोर क्यों सोचते हैं? जितने कलाकारों ने जितने सेलिब्रिटीज ने ये लिखा है सबको हम बड़े सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन सच को सच कहो, गलत को गलत कहो, नहीं तो आपका जो फैन है वो भी थोड़ा आहत होंगे। अगर साहस हो रिहाना को और ग्रेटा को तो कह दे कि आपकी बार राहुल सरकार। सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कांग्रेस जो विदेशी लोगों से सहयोग लेकर के हमारे देश के कानून पे सवाल उठा रही है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। बात हिंदुस्तान की अखंडता की है जिसे एक शख्स विदेश में बैठकर चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा है, इसलिए अच्छा होता कि हर राजनीतिक दल एक सुर में इस एजेंडे के खिलाफ एक सुर में जवाब दें। और उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में साजिश को लेकर नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उपद्रव के लिए कुछ खास ग्रुप को लाल किले और आईटीओ पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह नाम के उपद्रवी जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है वो साजिश का बहुत बड़ा किरदार है। इकबाल सिंह ने लाल किले के अंदर भीड़ को जमा किया, भड़काया और लाहौर गेट तोड़ने के लिए उन्हें उकसाया। ये बड़ा खुलासा सूत्रों के तरफ से हो रहा है। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए इस पर पूरी जानकारी के साथ। मनोज, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम खुलासे हो रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर एक खुलासा ये हुआ है कि जो पूरी की पूरी साजिश थी, जो हिंसा हुई है उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले से लिख ली गई थी और मकसद बिल्कुल क्लियर था कि शुरुआत में जो लोग हैं वो इकट्ठे करने हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उपद्रव शुरू करेंगे और उसके बाद आंदोलनकारियों को भी भीड़ का हिस्सा बना लेंगे। और ऐसा ही हुआ भी, जिस तरीके से जो वीडियो सामने आए उसके बाद फुटेज सामने आई उसमें ये सब दिख भी रहा है। और जो इकबाल सिंह है वो इस कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार बताया जा रहा है, उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। इकबाल सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो लोगों को उकसाता नजर आ रहा है। जी, दिल्ली पुलिस हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने कई ऐसे चेहरों की तस्वीर जारी की है जो लाल किला हिंसा में शामिल थे। आपको पहले उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। एक, दो, तीन या दस नहीं बल्कि वो 45 नए चेहरे हैं जिनकी पहचान अब तक दिल्ली पुलिस ने की है। ये सारे 26 जनवरी हिंसा के आरोपी हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने के दौरान इनके चेहरे लाल किले पर लगे अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे। वीडियो की पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्सपर्ट्स की मदद से इन तस्वीरों में दिख रहे लोगों की शिनाख्त की है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच ने 12 उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। आरोप है कि इन सभी 12 आरोपियों ने पहले आईटीओ और फिर बाद में लाल किला पहुंचकर हिंसा को अंजाम दिया। और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की परिस्थिति थी, उपद्रव, साजिश, आंदोलन, ऐसी स्थिति में और राजनीति भी इसमें शामिल है, तो क्या पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है क्या दोषियों तक पहुंच पाना या जांच कर पाना? क्योंकि लगातार हम दिखा भी रहे हैं वो दो अहम जो किरदार हैं वो भी नहीं पकड़ में आए, ये 45 शहर तो हैं। सर आदर्श जी, कठिनाई तो बहुत आती है और इससे ज्यादा कठिन विवेचना हो नहीं सकती है। जो क्रॉस पर्पसेस पे आते हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई पीर घाट कह रहा है, कोई वीर घाट कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में पूरा जो है इन्वॉल्वमेंट है पुलिस फोर्स का। इन परिस्थितियों में पुलिस बल वैसे भी बहुत ज्यादा व्यस्त और तनावग्रस्त होता है, लेकिन उनको चाहिए कि इस इन्वेस्टिगेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें जिससे कि कम से कम ये एक विश्वसनीयता की बात पर प्रश्न चिन्ह न उठे।
दूसरी चीज ये है कि बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक दबाव के, क्योंकि तो पुलिस आती है 36 साल के लिए सदा रहती है, राजनीतिक तो आती है जाती है, राजनीति में न पड़ करके जिसको गिरफ्तार करना है तत्काल गिरफ्तार करें और कोर्ट के सामने पेश करें। इतने सबूत के बाद और अंतर्राष्ट्रीय साजिश, फाइनेंशियल ट्रेल और इस तरीके के फाउंडेशन जो कि ये मो जिसका नाम आपने दिया था, हाँ मो धालीवाल और उसका पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये तो स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और चीन का पैसा लग रहा है इस आंदोलन में और इस आंदोलन के पीछे इसको उग्र बनाने में, जिससे कि सारा व्यापार चीन से जो हिंदुस्तान आने वाला था, समझ ले हिंदुस्तान ना आकर के वापस चीन चला जाए, सारा गेम प्लान तो आर्थिक है और उसके ट्रैप में हम लोग फंसते चले जा रहे हैं। अहम बात आप कह रहे हैं, अहम बात आप कह रहे हैं विक्रम सिंह साहब, समय थोड़ा सा कम है, मैं एक बार वरुण करूंगा। वरुण, जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, जो तमाम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सिंह साहब, जांच बिल्कुल उसी तरफ से हो रही है क्या हमारी? देखिए बिल्कुल, पुलिस पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि अब तक की जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसके तार बाहर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि ग्रेटा मामले में भी पुलिस ने अननोन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो पूरी चेन है इसको तो पुलिस को एक्सपोज करना ही है, लेकिन जो नए नए चेहरे पुलिस रोज वीडियो जारी कर रही है, वीडियोज के अंदर नजर आ रहे हैं, जो वॉन्टेड है वो पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो शिकंजा है वो जरूर मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जब शुरुआत होगी गिरफ्तारी की, जो मेन कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठकर उनको गिरफ्तार करेगी, तभी जो कड़ियां है आगे जुड़ते हुए बाहर विदेशों तक जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अभी कामयाबी मिलनी शुरू नहीं है। जो भी गिरफ्तारी हुई है अब तक वो वही लोग है जो आंदोलन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़े थे, लेकिन जब जांच बढ़ी है जो चेहरे और जो नाम सामने आए हैं अभी तक उनमें किसी बड़े नाम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी जी वरुण, नजर बनाकर रखें, लगातार आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका विक्रम सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।